जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। अज मैं तुहाडे सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित करदे होए एक भाषण देना चाहुंदी हां, जो कि इस तरह है। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबू ना छाडे खेत। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म दे 9वे गुरु सन। उन्हां दा व्यक्तित्व बहुमुखी अते विलक्षण सी। आपने धर्म दी राखी लई एक महान कुर्बानी दित्ती, इसलिए आप नूं हिंद दी चादर कह के सतिकारिया जांदा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी दे घर अते माता नानकी जी दे कुखों अमृतसर विखे होया। आप जी दे बचपन दा नाम त्याग मल सी। आप जी दा बचपन अमृतसर विखे ही बीतिया। आप गुरु साहिब जी दे सब तो छोटे पुत्र सन। आप कुछ देर बाद माता पिता समेत पिंड करतारपुर विखे आ गए। उत्थे आप युद्ध विच भाग लेके अपनी तेग दे अजहे जोहर विखाए कि आप त्याग मल तो तेग बहादुर बन गए। आप जी दा व्याह माता गुजरी जी नाल होया। आप जी दे घर श्री गुरु गोविंद साहिब जी वर्गे नेक अते सरबंसदानी पुत्र ने जन्म लिया। आप एकांत विच अडोर रह के परमात्मा दा सिमरन करदे। गुरु हरगोविंद साहिब जी दे ज्योति जोत समान मगरो पिंड बकाला विखे आ गए। उत्थे 26 साल 9 महीने ते 13 दिन दी घोर तपस्या कीती। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ज्योति जोत समान मगरो केवल इन्ना ही अगले गुरु बारे दस्या के कई तां अपने आप नूं गुरुगद्दी दे मालक दसन लग पए ने। इस तरह उत्थे 22 गुरु बन बैठे। आपने गुरु रूपी प्रगट होण दी कथा निराली है। कहा जांदा है कि गुरु हरकृष्ण जी तो साल पू पिछों कई मक्खन शाह लुबाना जिस दा जहाज समुंदर दी घुमन घेरी विचों गुरु दी कृपा नाल पार लगा सी। अपनी सखना दी 500 मोरां लै के बाबा बकाले कोल पुज्जा। उसने हर वेखी अगे 5-5 मोरां कर दित्तियां। ता आप उसने पंच कहा, सिखियां दिया ता 500 मोरां सन, पर तू 5 मोरां क्यों लै के आया। श्री गुरु मक्खन शाह लुबाना कमला हो गया ते उच्ची उच्ची रौला पाउन लग पिया। गुरु लादो रे दा भाव है सच्चा गुरु होना। आप जी जमीन खरीद के आनंदपुर साहिब नगर वसा लिया, जिथे गुरु गोविंद साहिब जी ने खालसा पंथा दी साजना कीती। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह।